देश के अलग अलग हिस्सों में अब विमान सेवा शुरू हो चुकी है। कल से शुरू हुई उड़ानों की लिस्ट में आज चेन्नई एयरपोर्ट भी जुड़ गया है। लॉकडाउन के करीब 60 दिन बाद जब हवाई सेवाएं शुरू हुई तो पहले ही दिन यात्रियों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी। कई फ्लाइट कैंसिल हो गई और भी कई दिक्कतें यहां पर आई। पहले ही दिन 80 से ज्यादा फ्लाइट रद्द हो गई। दिल्ली के साथ मुंबई के एयरपोर्ट से भी कई फ्लाइटें कल रद्द हुई हैं। तो आज दूसरा दिन है, दूसरा दिन एयरपोर्ट का क्या हाल है? क्या आज भी लोगों को दिक्कत हो रही है या कल के मुकाबले आज चीजें आसान हुई हैं? इस पर ग्राउंड रिपोर्ट के साथ समीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समीर, आज का क्या हाल है एयरपोर्ट्स का? बिल्कुल, सबसे पहले आपको बता दूं कि दिल्ली एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हम मौजूद हैं। यहाँ से जो आज का आंकड़ा है वो ये है कि 137 फ्लाइट यहाँ से टेक ऑफ करेंगे देश के अलग अलग राज्यों के लिए, अलग अलग एयरपोर्ट के लिए, और 140 फ्लाइट यहाँ पे लैंड करेंगे। और जिम्मेदारी के साथ यहाँ पर सभी लोग तैनात हैं। एक तस्वीरों के जरिए आपको फटाफट मैं दिखा दूँ कि कैसे जो सुरक्षाकर्मी हैं वो पूरे सेफ्टी किट के साथ के यहाँ पर मौजूद हैं, हर पैसेंजर को प्रॉपर स्क्रीनिंग के बाद में, और कॉन्टैक्ट लेंस यानी कि ज़्यादा से लोगों संपर्क में आए बिना लोगों की बकायदा चेकिंग के बाद में ही यहां आगे जाने दिया जाए। इसी के साथ में आप देखें तो एयरलाइन स्टाफ भी यहां पर मौजूद है। कोशिश ये कर रहे हैं कि जितने भी हवाई मुसाफिर यहां पे पहुंचे उनको पूरी तरीके से गाइड करके आगे भेजा जाए। कल के मुकाबले आज यानी कि सिर्फ 24 घंटे का फर्क आपको बता रहा हूं। कल यहाँ पे जबरदस्त भीड़ थी, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे नजर आ रहे थे, कतारों में खड़े हुए थे, और आज आपको एयरपोर्ट में कल के मुकाबले काफी कम भीड़ नजर आएगी। उसकी वजह यह है कि कल काफी अफरा तफरी थी, जानकारी का अभाव था, चूंकि वो समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ पे स्क्रीनिंग करनी है, कहाँ पे सैनिटाइज करना है, तो वो व्यवस्था अब काफी ट्रैक पर आ गई है और लोगों को भी समझ में आ रहा है कि होमवर्क में क्या कुछ करना है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या है। और दूसरी बात यह कि जो एयरलाइन स्टाफ है, जो यहाँ पे जितने भी तमाम लोग यहाँ पर तैनात है, उन्होंने भी अब व्यवस्था को काफी मजबूत कर लिया है। एक यहाँ पे अगर आप देखें तो सभी लोग जो भी एयरपोर्ट पे आना चाह रहे हैं उनको बकायदा स्क्रीनिंग करके अंदर जो वेटिंग एरिया है वहां पर भेज दिया गया है। और इस तरीके के डिवाइसेस के जरिए, इक्विपमेंट के जरिए यहाँ पे चेकिंग की पूरी व्यवस्था कर रखी गई है। और कोशिश ये है कि कल जो तस्वीर देखने को मिली थी जहाँ पे काफी बड़ी संख्या में मुसाफिर परेशान थे कि कैसे एयरपोर्ट में दाखिल होंगे, क्या उनके पास वो सभी जरूरी दस्तावेज हैं या नहीं है, वो तमाम दिक्कतों को अब लगभग सुलझा लिया गया है। आज का जो आंकड़ा मैंने जैसा पहले आपको बताया कि 137 फ्लाइट यहां से दिल्ली एयरपोर्ट से वो टेक ऑफ करेंगे और 140 फ्लाइट यहां पर आएंगी, और ये कल जो तकरीबन 832 फ्लाइट में 58,000 से ज़्यादा मुसाफिर देश के अलग अलग राज्य, अलग अलग एयरपोर्ट पहुंचे अपने से मिलने के लिए, और ये आंकड़ा भी यूं ही जारी रहेगा। एक बड़ी दिलचस्प बात आपको बता दूं कि जो ट्रैवल एजेंसी से हमने बात करी कि जो ट्रैवल पैटर्न है, जो बुकिंग का पैटर्न है, वो आखिर क्या दर्शा रहा है, तो दिलचस्प बात यह है कि ज़्यादातर लोग टिकट जो बुक कर रहे हैं वो नॉन मेट्रो शहरों के लिए है, यानी कि दिल्ली मुंबई सेक्टर उतना ज़्यादा इस सेक्टर में डिमांड नहीं है टिकटों को लेकर के, लेकिन दिल्ली पटना के लिए जबरदस्त डिमांड है, यानी कि पटना के लिए जो फ्लाइट है उसको लेकर के जबरदस्त डिमांड है। तो यह समझा जा सकता है कि नॉन मेट्रो में जो लोग हैं वो जाने के लिए, आने के लिए, वो इस वक्त ज्यादा बेताब नजर आ रहे हैं। फिर भी एक बार दोबारा तस्वीरों के जरिए आप देख लीजिए कि दिल्ली एयरपोर्ट पे क्या हाल है, और यह हाल इसलिए समझना बहुत जरूरी है कि कल जब लगातार इस बात की शिकायत थी कि मुसाफिर परेशान है और उसके पीछे एक बड़ी वजह फ्लाइट कैंसिलेशन थी, तो उन सब दिक्कतों को लगभग सुलझाने का प्रयास किया गया है। और अब अधिकारी भी यहाँ पे लगातार राउंड द क्लॉक मौजूद हैं, जो एयरपोर्ट अधिकारी हैं, जो सुरक्षा अधिकारी हैं, और वो ये कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को सही तरीके से आगे पहुंचने दिया जाए, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सही तरीके से हो। उसके लिए सुरक्षाकर्मी जो इनके दायरे में नहीं आती है जिम्मेदारी, लेकिन फिर भी लगातार समझा रहे हैं, क्योंकि ये तस्वीर ही जो हम लोगों को दिखा रहे हैं ये एक नजीर बन सकती है कि जब एयरपोर्ट में इस तरीके की व्यवस्था हो सकती है तो वो बाकी जगहों पर क्यों नहीं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया समीर आपका ये ग्राउंड से हमें रिपोर्ट बताने के लिए कि आज एयरपोर्ट के क्या हालत हैं, और कल जिस तरह से एक दिक्कतों का सामना करना पड़ा था पैसेंजर्स को, तो समीर बता रहे हैं कि आज सिचुएशन जो है काफ़ी इम्प्रूव हुई है।